अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारुल इंस्टीट्यूट। मैं मोहम्मद अवैस मरसूद करीब जिसे मौजूद हैं। अगर सबसे आज हम क्वेश्चन करेंगे, ख्वाब के अंदर इंसान अगर क्लाक देखता है या घड़ी देखता है या वॉच हाथ में पहनी हुई देखता है तो इसकी क्या तबीर हो सकती है, आज हम शख्स से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसा घड़ी ख्वाब के अंदर देखना, जो शख्स को देखता है अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को वक़्त का पाबंद बनाएगा। आने वाले वक़्त के अंदर वो बंदा यानी कि उसके मामलात बेहतर हो जाएंगे जी। और क्योंकि जो शख्स वक़्त पर काम करता है जी, टाइम पर और घड़ी देख के चलता है तो उसके टाइम खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं। तो जैसे उसके काम खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाते हैं तो आने वाला वक़्त उसका अच्छा हो जाता है, उसकी जो उम्मीदें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, अल्लाह उसके मकासद पूरे कर देता है, दिली उम्मीदें उसकी पूरी हो जाती हैं। इस तरह ख्वाब के अंदर अच्छी साफ सुथरी खूबसूरत घड़ी दे, माल दौलत आएगा इसके पास। और ख्वाब के अंदर इंसान बेहतरीन घड़ी देखता है, अगर नेक इंसान है तो नमाज़ों के अंदर पाबंदी होना शुरू हो जाएगी, मामलात के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर दूसरा दुनियादारी इंसान है तो उसका कारोबार ठीक हो जाएगा, क्योंकि कारोबार के अंदर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट जो है वो टाइम के साथ रिलेटेड है, इतने वक्त में इतना कुछ करना है। तो घड़ी सही चल रही है, सही सीमत चल रही है, ख्वाब के अंदर रुकी हुई नहीं है, सही जा रही है, तो इसके मामला अल्लाह ताला सही कर देगा। अगर ये उलझन का शिकार है, इन्वेस्ट किया है, उधर से सही सीमत क्लाक चलता हुआ देखता है, मोबाइल पर देखता है या वैसे देख रहा है, तो आने वाला वक़्त बेहतर हो जाए। अगर घड़ी रुकी हुई है तो इसके मामला रुक जाएंगे। अगर घड़ी ख़राब है, बिल्कुल ही बेकार है, उसके कारोबार में मामलात के अंदर परेशानी आएगी, मामलात जो है वो दुरुस्त सिमत नहीं चलेंगे इसके। अगर सही घड़ी चल रही है तो इंशाल्लाह ताला इसके जो काम हैं, इसका मामलात हैं, वो अल्लाह तबारक ताला इसके बेहतर फरमा दे। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي